नमस्कार दोस्तों, आइए इंटरमीडिएट हिंदी विषय के संस्कृत खंड से दूसरा पाठ आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है का व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए, पाठ का व्याख्या भाग है याज्ञवल्क मैत्रेय से कहते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है और हम पढ़कर व्याख्या भाग शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम उवाच, याज्ञवल्क्यो माने याज्ञवल्क, मैत्रेयी माने मैत्रेयी से, उवाच माने बोले, मैत्रेयी उवाच लिखा हुआ है तो मैत्रेयीम उवाच का मतलब होता है मैत्रेयी धन उवाच। मैत्रेयी माने मैत्रेयी से, उवाच माने बोले, अर्थात याज्ञवल्क मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उदयस्यान अहम अस्मात् स्थानाद अस्मि। उदयास्यन, उदयासन माने ऊपर के स्थान को, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्मि माने हूँ, अर्थात उदयासन का मतलब है ऊपर वाले स्थान पर मैं, अस्मात् माने इस स्थान से जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, ना कि संसार से ऊपर जाने वाला हूँ, उस भाव को हम नहीं लेंगे। तो याज्ञवल्क मैत्रेय से क्या बोले कि मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। स्थान हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं चार वर्ण, चार आश्रम, वही आश्रम की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करने वाले हैं याज्ञवल्क, तो इन्होंने मैत्रेय से कहा कि मैं इस स्थान से ऊपर वाले स्थान पर जाने वाला हूँ, अर्थात गृहस्थ से वानप्रस्थ की ओर जाने वाला हूँ। तो क्या कहा, ततः ते अनया कात्यायन विच्छेदम करवाण इति। ततः माने तो, ते माने तुम्हारा, अनया माने दूसरी, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदम माने बंटवारा, करवाण माने करवा दूँ, इति माने ऐसा कहा। अर्थात याज्ञवल्क के दो पत्नियाँ थीं, तो याज्ञवल्क अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से बोले कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर वाले स्थान को जाने वाला हूँ, इसलिए, अर्थात यहाँ से ततः ते अनया, ततः माने तो, ते माने तुम्हारा, अनया माने दूसरी, कात्यायन्या माने कात्यायनी का, विच्छेदम करवाण इति बंटवारा करवा दूँ, अलगाव करवा दूँ, ऐसा याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी क्या बोली, यदि इयम सर्वा पृथ्वी वित्रेण पूर्णा स्यात्। यदि इयम दो शब्द हैं इसमें, यदि धन इयम, यदि धन इयम दीर्घ स्वर संधि है, तो यदि इयम, यदि अर्थात यदि जो, यह, इयम माने यह, सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी माने पृथ्वी, वित्रेण माने धन से, पूर्णा स्यात् पूर्ण हो जाए, तत् माने तो, कि माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता तेन अहम अमृता, तीन शब्द हैं इसमें ध्यान रखेंगे, तो तेन अहम अमृता, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्याम इति माने हो जाऊंगी, अर्थात यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उस धन से अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क बोले, याज्ञवल्क वाच, याज्ञवल्क बोले, नेति, नेति अर्थात ना धन इति, ना माने नहीं, इति माने ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आगे याज्ञवल कहने लगे, यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव, यथा धन, उपकरण इसलिए हो गया, यथैव उपकरणवताम, यथैव माने जिस प्रकार से, उपकरणवताम माने उपकरण वाले लोगों का, जीवनम माने जीवन, तथैव माने उस प्रकार से, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने होगा, यहाँ समझेंगे उपकरणवताम को। तो याज्ञवल्क ने कहा कि जिस प्रकार से उपकरण वाले लोगों का, अर्थात भौतिक संसाधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन होगा। यथा उपकरणवताम जीवनम, जिस प्रकार से संसाधन संपन्न लोगों का जीवन है, उपकरण वाले लोगों का जीवन है, अर्थात भौतिकता से परिपूर्ण लोगों का जीवन है, तथैव माने उसी प्रकार से, ते माने तुम्हारा, जीवन माने जीवन, स्यात् माने होगा। कहने लगे कि धन से ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से उपकरणशील लोगों का, अर्थात संसाधन संपन्न लोगों का जीवन है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति।
अमृत तत्व से माने अमृत के तत्व की अर्थात अमरता की, न माने नहीं, आशा अस्ति माने आशा है, तू माने निश्चय ही, वित्तेन माने धन से, इति माने ऐसा, अमरता की आशा धन से नहीं है, ऐसा याज्ञवल्क ने कहा। सा मैत्रेयी उवाच, सा माने वह, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, उवाच माने बोली, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम ना मृता श्याम, येन माने जिससे, अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम माने हूँ, तो किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्या माने करूँगी, अर्थात जिससे मैं अमर नहीं हूँ उसका मैं क्या करूँगी। यदेव, यदेव माने यदि या अगर, भगवान माने भगवान यहाँ पर पति के लिए प्रयोग किया गया है, तो यदि भगवान केवलम माने केवल, अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व के साधन को अर्थात अमरता के साधन को जानाति, जानाति माने जानते हैं, तदेव माने तो, मैं माने मुझसे, ब्रूहि माने कहें, तदेव माने तो उसे ही, यहाँ पर अर्थ लेंगे तो उसे ही, मैं माने मुझसे, ब्रूहि माने कहें, तो मैत्रेय ने कहा कि जिससे मैं अमर ना हूँ उसका मैं क्या करूँगी। यदि भगवान आप केवल अमरता के साधन को जानते हैं तो मुझसे कहें। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क बोले, क्या बोले याज्ञवल्क, प्रिया न सती, प्रिया माने प्रिय, न माने हमारी, सती माने स्त्री हो, यहाँ सती का अर्थ तुझसे नहीं लिया जाएगा। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा, तुम स्त्री हो, तुम मेरी, न माने हमारी, तुम हमारी स्त्री हो, हमारी पत्नी हो, तुम प्रियम भाष से, तुम प्रिय बोलती हो, एहि, एहि माने आओ, उपविश, उपविश माने बैठो, व्याख्यास्यामि, व्याख्यास्यामि माने व्याख्या करता हूँ, ते, ते माने तुमसे, अमृत तत्व साधन माने अमरता के साधन की। तो क्या कहा, प्रिया न सती, हे प्रिय तुम मेरी पत्नी हो, तुम प्रियम भाष से तुम प्रिय बोलती हो, एहि आओ उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। आगे याज्ञवल्क बोले, याज्ञवल्क वाच, ना वा अरे मैत्रेयी, ना माने नहीं, अरे माने अरे, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे नहीं मैत्रेयी, नहीं, पत्यु कामाय, पत्यु माने पति की, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, पति माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवत माने होता है, अरे नहीं मैत्रेयी, नहीं, पति की कामना पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ये बात पत्नी के लिए कही कि पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वह कामाय, आत्मनस्तु माने अपनी ही, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, अर्थात उन्होंने पत्नी से कहा कि पत्नी को पति, पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं प्रिय होता है, वह अपनी ही कामना पूर्ति के लिए प्रिय होता है। ना वा अरे और ना ही जायाया कामाय, जायाया माने पत्नी की या स्त्री की, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, जाया प्रिया भवती, पत्नी प्रिय होती है, ना ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। यहाँ पति को के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये कहा उन्हीं के लिए गया है कि ना तो पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि आत्मनस्तु वह कामाय, आत्मनस्तु माने अपनी ही, वह माने निश्चय ही, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए, जाया प्रिया भवती, स्त्री प्रिय होती है, निश्चय ही अपनी ही कामनाओं की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे और ना ही पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियं भवति, पुत्र और वित्त अर्थात धन प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वह कामाय, बल्कि अपनी ही, आत्मनस्तु माने अपनी ही, कामाय माने कामना पूर्ति के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियं भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। ना वा अरे, ना ही, ना ही अरे मैत्रेयी और ना ही सर्वस्य कामाय, सर्वस्य माने सबकी कामना पूर्ति के लिए, सर्वम प्रियं भवति, सभी प्रिय होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु वह कामाय, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सर्वम माने सब, प्रियम माने प्रिय, भवति माने होते हैं, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सबको सब
प्रिय होते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी ही कामनाओं की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। अब आगे कहते हैं तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, तस्माद माने इसलिए, आत्मा माने आत्मा, अरे माने अरे मैत्रेयी, इसीलिए तो आत्मा द्रष्टव्यः, द्रष्टव्यः माने देखने, दर्शनार्थम दर्शन करने, श्रोतव्या सुनने, मनतव्या मानने, तथा निधिध्यासितव्यः च, निधिध्यासितव्यः माने ध्यान देने योग्य है। इसीलिए अरे मैत्रेयी आत्मा ही द्रष्टव्या देखने, दर्शनार्थम दर्शन करने, श्रोतव्या श्रवण करने, मंतव्या मनन करने, और निधि से आस्तव्या माने ध्यान देने योग्य है। आत्मनः खल दर्शनेन, आत्मनः माने आत्मा के, खल माने निश्चय ही, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब ज्ञात होता है, यह सब ज्ञात होता है।